बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट के चंद एमसीक्यूज अपलोड करने की कोशिश करते हैं। चूँकि एसएसटी के पेपर्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के करीब हैं, तो ये न सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बल्कि हर किस्म एसएसटी एग्जाम के लिए ये एमसीक्यूज इंतहाई लाजिमी हैं। आज इस सिलसिले की वीडियो नंबर 1 है और हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 वीडियो में इस टॉपिक को हम कवर कर लें, और कल ही इंशाल्लाह इस पूरे टॉपिक को मैं कंप्लीट कर लूंगा। अगले दिन एक न्यू टॉपिक अपलोड कर लूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो चलो शुरू करते हैं स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इसमें स्कूल की मैनेजमेंट भी आ गया, यानी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और क्लासरूम की मैनेजमेंट भी आ गया। इन एमसीक्यूज में इसी पर बात होगी। तो ये याद रखें कि दोस्तों, स्कूल जो हैं, ये स्कूल स्टूडेंट्स के वेलफेयर और लर्निंग के लिए बने हैं। इसमें ज्यादा फोकस आपने स्टूडेंट्स की भलाई और लर्निंग की तरफ देना है। क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देखें। द मेन पर्पस ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी द। अब इसमें आपने देखना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ज्यादा फवायद स्टूडेंट्स को किस ऑप्शन में है, अपनी उसको करेक्ट करना है। एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर, इसको जरा तवज्जो से देखें। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखें, केयरिंग आउट ऑफ द करिकुलम, ये भी स्टूडेंट की वेलफेयर की बात नहीं ज्यादा। अचीवमेंट ऑफ सक्सेस इन एग्जामिनेशन, एग्जाम में कामयाबी महज हासिल करना ये नहीं, ऑप्शन ए जो है ना, दिस इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखें। सुपरविजन शुड बी प्राइमरली, बुनियादी तौर पर निगरानी होनी चाहिए किस लिए। प्रिवेंट, ये लफ्ज प्रिवेंटियो है, प्रिवेंटियो एंड क्रिटिकल, प्रिवेंटियो एंड क्रिटिकल, प्रिवेंटिव एंड क्रिटिकल। आगे देखे प्रिवेंटिव एंड कॉरेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड करेक्टिव, यस कंस्ट्रक्टिव दोनों पॉइंट देखे, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी लगता है। ये सुपरविजन का बुनियादी मकसद कंस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, कंस्ट्रक्टिव एंड करेक्टिव होना चाहिए, इसमें तलबा के ज्यादा पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखे, तीन नंबर। द बेसिक पर्पज ऑफ सुपरविजन इज टू हेल्प, टू हेल्प क्या, टीचर्स इन इम्प्रूविंग मेथड, नहीं, टीचर की हेल्प्स, टीचर्स इन अंडरस्टैंडिंग पीपल, नो, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली। देखिए यहां पर तलबा की ज्यादा फायदे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होना चाहिए यहां भी। क्वेश्चन कहते हैं द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू। अब एलिमेंट्री स्कूल में हेडमास्टर्स होते हैं, टीचर जो है ना दोस्तों, वो डायरेक्टली हेडमास्टर को जवाबदेह हैं, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पाया नंबर क्वेश्चन। द क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रीक्वेंटली लेवल एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन पर जो एतराजात उठाए जाते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्सर एतराज किए जाते हैं, उसको क्रिटिसाइज किए जाते हैं, वो ये कि क्या है, दे आर लाइक प्रेज, वो तारीफ पसंद करते हैं, दे आर लेजी सुस्त हैं, दे फेल टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड दे डू नॉट नो टीचर, ऑप्शन सी इज द मोस्ट सुटेबल। यही इतराज किया जाता है कि इनकी लीडरशिप जो है, यानी इनका एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन के काबिल नहीं है, ये इतराजात अक्सर उठाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, छह नंबर क्वेश्चन, द स्कूल हेडमास्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू, स्कूल के हेडमास्टरों से ये तवक्को की जाती है कि क्या, पुट इन टू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी, होल्ड डेली मीटिंग्स, प्रिपेयर द बजट, ऑल अबाउट। नहीं, ऑप्शन ए जो है ना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, पुट इन टू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी। और क्वेश्चन नंबर सेवन जरा देखें, सेवन नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि अ सुपरवाइजर इज वन हु, सुपरवाइजर निगरान कौन हो सकता है, निगरान प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प, इंस्पेक्ट क्लासरूम, गिव डायरेक्शन, क्रिटिसाइज द टीचिंग। नहीं, ऑप्शन ए इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प, दोस्ताना माहौल में वो मदद फराहम करते हैं अपने सबॉर्डिनेट को। ठीक है, इसमें तलबा भी आ गए, टीचर्स भी इसमें आ गए। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, आठ नंबर क्वेश्चन, द इफेक्टिव सुपरविजन इज इंडिकेटेड बाय, मास्टर निगरानी जो है ना उसका अंदाजा किससे लगाया जा सकता है, गुड रिलेशंस बिटवीन टीचर एंड सुपरवाइजर, के सुपरवाइजर और निगरान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हो, नहीं ये तो नहीं हो सकता, हेल्पिंग टीचर एंड टीचिंग, असातिजा को उसकी टीचिंग में मदद करना, ये भी नहीं हो सकता, हेल्पिंग टीचर बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशियंट, दिस इज मौजूदा ऑप्शन में ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, नाइन नंबर क्वेश्चन, द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय, स्कूल की जो पॉलिसी बनती है उसको किसने डिटरमाइन करना है, प्रोफेशनल एजुकेटर्स, माहिर तालीम, हेडमास्टर, के सिटीजन, सिटीजन्स एंड एजुकेटर्स, माहिर तालीम और सिटीजन्स दोनों मिलकर स्कूल की पॉलिसी को डिटरमाइन करना चाहिए, ऑप्शन डी द करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज, अब प्रिंसिपल जो होते हैं सेकेंडरी स्कूल में भी होते हैं लेकिन मोस्टली हायर सेकेंडरी स्कूल्स के और जो होते हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं, और सेकेंडरी स्कूल में जिनकी तादाद 600 से ज्यादा हो तो वहां प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारियां जो है चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्टर द गाइडेंस प्रोग्राम, प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान, मेंटेन स्कूल रिकॉर्ड, हैंडल डिसिप्लिन प्रॉब्लम, एक्चुअली ये तमाम उसकी जिम्मेदारियां हैं लेकिन उसमें चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना ऑप्शन बी है, ये तमाम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं लेकिन द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, जमहूरी रवैया, सुपरवाइजर या एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर या हेडमास्टर जो होते हैं उसका रवैया अगर जमहूरी है तो किससे हमें पता चलेगा, ये कि इक्वल राइट्स, तमाम असातिज़ा किराम और तलबा के साथ इक्वल सलूक करेगा, पार्टिसिपेशन, जो भी फैसला वो करेगा टीचर्स को उनमें इन्वॉल्व करेगा, और कॉपोरेशंस, एक दूसरे से कॉपोरेट करेंगे, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखे, द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज बैक टू 5000 साल पहले की बात है, बीसी, ऑप्शन ए है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 देखे, एडमिनिस्ट्रेशन मीन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, टू लुक आफ्टर, टू प्रोटेक्ट, टू रन, टू एस्टेब्लिश, टू लुक आफ्टर, पूरे स्कूल और तलबा असाजे सब तब इसमें आ गए, लुक आफ्टर। और क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखें, 14 नंबर, द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज, इंस्ट्रक्शनल टास्क एंड नॉन इंस्ट्रक्शन, इन दोनों को, इनकी तारीफों को जरा पढ़ लें कि इंस्ट्रक्शनल और
ये लफ्ज गलत, स्पेलिंग इसके गलत लिखे गए हैं। देखिए इस आई जो है ना ये इसमें बाद में इंस्ट्रक्शनल, और इसी तरह यहाँ भी ये आई यहाँ है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल स्टॉक और नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। इंस्ट्रक्शनल टास्क ये तलबा की टीचिंग, तलबा और असातिजा की टीचिंग के रिलेटेड होते हैं, दीज आर रिलेटेड टू टीचिंग्स। और नॉन इंस्ट्रक्शनल जो होते हैं स्कूल के अदर एक्टिविटीज, मसलन लाइब्रेरी, स्कूल अटेंडेंस, क्लासरूम की इन्वायरमेंट, स्टाफ रूम वगैरह वगैरह, वो नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क होते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की ये ए और बी दोनों होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल और नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन को, अ प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल एनवायरनमेंट इस क्या है? एजुकेशनल एनवायरनमेंट यानी वो इंस्ट्रक्शनल टास्क में आता है, ये टीचिंग प्रोसेस है ना, ठीक है दोस्तों। एजुकेशनल एनवायरनमेंट तो ये टीचिंग प्रोसेस है, तो ये किस में आ गया? इंस्ट्रक्शनल टास्क में आ गया। इसकी स्पेलिंग भी गलत है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, यहां भी गलत है, इसको करेक्ट कर ले। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इज, अब यहां फिजिकल रिसोर्सेज, स्कूल के फिजिकल रिसोर्सेज से क्या मतलब है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ अ स्कूल, फिजिकल रिसोर्सेज में क्या आते हैं, इसको जरा नोट कर ले, नोट कर सकते हैं तो कर लो। फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ अ स्कूल वुड इंक्लूड क्लासरूम्स, लेक्चर रूम, स्टाफ रूम, व्हीकल्स, हेल्थ सेंटर, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी एंड सो ऑन, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, यानी टीचिंग जो होते हैं ना उसके अलावा। अब ऊपर मैंने आपको इंस्ट्रक्शनल और नॉन इंस्ट्रक्शनल के बारे में आपको बता दिया था, तो ये तमाम चीजें जो है ना ये फिजिकल रिसोर्सेज नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका लर्निंग प्रोसेस से ताल्लुक नहीं है, इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखे, द मेन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के तीन अकसाम हैं, ये तो लाजिमी याद रखे, उसमें कौन सा है? आपको कोई ऐसा मिसाल दे दूं, परस करें हमारे अपने मुल्क की हुक्मरानों को ले ले, एक फौजी हुकूमत होता है कि जो अलेनाल होता है, जिस तरह मुशर्रफ था, मुक्का हिलाकर वो फैसले करते थे, अगर आपको मुशर्रफ का दौर याद हो, तो उस किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन को अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, अथॉरिटेरियन। और अब जो मौजूदा हुकूमत या इससे पहले जो हुक्मरान थे, जमहूरी हुकूमत जिसको कहते हैं, तो उसको डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, पार्लियामेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अब तनहा बंदा फैसला नहीं करते, और अथॉरिटेरियन में उसको कौन सा कहते हैं, डिक्टेटरशिप भी उसको कहते हैं, उसमें फैसले का कुव्वत जो होता है वो सिर्फ एक आदमी के हाथ में होते हैं, तमाम फैसले वो एक बंदा करते हैं। और थर्ड टाइप जो है ना वो लेजा पियर एडमिनिस्ट्रेशन है, लेजा पियर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है जो बराइनाम हो, जो बराइनाम, परस करे प्रिंसिपल है वो ऐसा कहता है कि यार मेरे लिए मसले मत खड़ा करे, पर ये जो मर्जी करें आप, स्कूल चलाएं जो मर्जी करें, उस ऑफिस में बैठे हैं सुकून से, किसी चक्काम में वो मुदाखलत नहीं करता, तो दिस टाइप एडमिनिस्ट्रेशन इसका लेजा पियर। फिर वंस अगेन याद है कि अथॉरिटेरियन ऐसा प्रिंसिपल या ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम फैसले वो खुद करता है, किसी से भी कुछ नहीं पूछता, और वो डिक्टेटरशिप के तौर पर करता है। और ये अक्सर ये देहातों में स्कूल होते हैं ना, वहां पर चुई चौधरी बंदा अगर प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है तो वो इस किस्म का होता है, अथॉरिटेरियन होता है। और डेमोक्रेटिक जो होते हैं ये एक्चुअली बड़े बड़े शहरों में जहां पर हर किस्म के लोग रहते हैं, और ये लेजा पियर अक्स ये भी हमें देखे हैं, जो बंद ऐसे हेडमास्टर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं जिनका दिल की
वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते तो बस किसी को लगा लेते हैं कि आप स्कूल चलाएं, मेरे सर में दर्द है, मुझे आराम से छोड़ दो, मैं दफ्तर में बैठा रहूँगा। तो पाकिस्तान में ये तमाम तीनों एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, अब इसी पर थोड़े से क्वेश्चन होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, विच इज नॉट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप नीचे जो दिए गए तीन टाइप आपको मैंने बता दिए, बी सी और डी। ए जो है ना, दिस इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये टीचिंग से है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का कोई टाइप नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखें, विच इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव डिक्टेटरशिप। नीचे जो दिए गए इसमें एक ऐसा है कि वो इससे ताल्लुक नहीं रखता, तो शेयरिंग है। देखें ऑप्शन ए, देखें रूडनेस, गुस्ताख होगा अक्सर वो। सप्रेशन द सबॉर्डिनेट, अपने उसके नीचे जितने भी उसको सप्रेस किया होते हैं। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सख्त डिसिप्लिन होता है उसका। लेकिन ये शेयरिंग जो है ना, वो किसी से अपने काम में शेयर नहीं करता, तो ये अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है, उसकी कोई खसूसियत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। और आज के क्वेश्चन का आखिरी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप, ये अभी आपको मैं बता दिया, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लूंगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।